हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 33 वेजिटेबल्स नेम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद हम जानेंगे कि 33 वेजिटेबल्स नेम क्या होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मटर, मटर, मटर को इंग्लिश में पी कहते हैं। आलू, आलू, आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। प्याज, प्याज, प्याज को इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं। गाजर, गाजर, गाजर को इंग्लिश में कैरेट कहते हैं। खीरा, खीरा, खीरा को इंग्लिश में कुकुम्बर कहते हैं। शलजम, शलजम, शलजम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। को इंग्लिश में ग्रीन पेपर कहते हैं। बैगन, बैगन, बैगन को इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं। चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर को इंग्लिश में बीटरूट कहते हैं। गोभी, पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं। मूली, मूली, मूली को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। लहसुन, लहसुन, लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। कद्दू, कद्दू, कद्दू को इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं। टमाटर, टमाटर, टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। परवल को इंग्लिश में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। ककोरा, ककोरा, ककोरा को इंग्लिश में स्पाइन गार्ड कहते हैं। मिर्च, मिर्च, मिर्च को इंग्लिश में चिली कहते हैं। शकरकंद को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। करेला, करेला, करेला को इंग्लिश में बिटर गार्ड कहते हैं। लौकी, लौकी, लौकी को इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं।
फूल गोभी। फूल गोभी, फूल गोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं। गवार फली, गवार फली, गवार फली को इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स कहते हैं। हरा पपीता, हरा पपीता, हरा पपीता को इंग्लिश में ग्रीन पपाया कहते हैं। हरा प्याज, हरा प्याज, हरा प्याज को इंग्लिश में स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं। करी पत्ते, करी पत्ते, करी पत्ते को इंग्लिश में करी लीव्स कहते हैं। तोरई, तोरई, तोरई को इंग्लिश में वीज गार्ड कहते हैं। सेम, सेम, सेम को इंग्लिश में बीन्स कहते हैं। टिंडा, टिंडा, टिंडा को इंग्लिश में टिंडा कहते हैं। मेथी पत्ता, मेथी पत्ता, मेथी पत्ता को इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। धनिया, धनिया, धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं।